नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय दैनिक अखबार और ऑनलाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी और कड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। पालोजोरी में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। पालोजोरी स्टेडियम में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल रहीम के द्वारा की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस प्रखंड स्तरीय सम्मेलन में पार्टी के वरीय नेताओं ने संगठन की मजबूती और विस्तार पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। संगठन आने वाले समय में प्रखंड से पंचायत और पंचायत के बूथ स्तर पर कैसे मजबूत हो, इस पर विशेष चर्चा की गई। सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ जेएमएम नेता एवं पार्टी के पूर्व सारठ विधानसभा सदस्य उम्मीदवार परिमल सिंह उर्फ भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हमारा संगठन प्रखंड में मजबूत है, सिर्फ कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर लोगों की समस्याओं को दूर करना होगा, ताकि पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग संगठन से जुड़े। अपनी समस्याओं को वरिष्ठ नेताओं तक पहुँचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए काम कीजिए, संगठन स्वयं ही मजबूत हो जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव नतीजों पर भी उन्होंने निराशा जाहिर की। वहीं पार्टी सुप्रीमो गुरुजी के समय से वरिष्ठ नेता सह पूर्व देवघर जिला अध्यक्ष नरसिंह मुर्मू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों का संगठन कमजोर नहीं है, बल्कि आप बिखरे हुए हैं, इसलिए संगठन कमजोर लग रहा है। एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है, तभी संगठन मजबूत होगा। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों लोगों को झामुमो नेता भूपेंद्र सिंह व नरसिंह मुर्मू ने पार्टी में शामिल किया गया। प्रखंड कमेटी विस्तारीकरण हेतु सर्व समिति से प्रखंड अध्यक्ष को अधिकृत किया गया। पालाजोड़ी में प्रखंड स्तरीय झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता लोग शामिल हुए और वरिष्ठ और पुराने नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे बीच है। और आइए नरसिंह मुर्मू जी से बात करते हैं, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष देवघर रह चुके हैं। आइए जानते हैं सीधे उनसे कि इस बैठक का क्या उद्देश्य, इस कार्यकर्ता सम्मेलन का क्या उद्देश्य है। सर प्लीज। पालाजुड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रखंड स्तरीय कमेटी का विस्तार के लिए आज बुलाया है। हम लोग एक साथ हैं और समूचा सर्व समिति से यहाँ के अध्यक्ष को अधिकृत कर दिए। वो बैठ के वो तमाम आपका 25 पंचायत से जो भी गणमान्य व्यक्ति कार्यकर्ता हम लोग हैं, सभी को शामिल करते हुए विस्तार किया। तो इस बैठक में आपने, आप लोगों ने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया? हम लोग ने यही संदेश देंगे, एकजुट होके कार्य, एकजुट होवें और एकजुट होके झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे ले जाने के लिए हम लोग घोषणा किए। अच्छा कैसे हो, और बहुत लोगों ने विचार किया कमजोर कमजोर होने का, हम लोग का झारखंड मुक्ति मोर्चा आ जाइए। सारठ विधानसभा में नहीं है, सारठ विधानसभा में लोकसभा में देखा गया है कि 85,000 वोट हम लोग लाए हैं झारखंड में, कहाँ कम है। इसलिए कम की बात नहीं है, कार्यकर्ता समझ चुके हैं। जो भी भ्रमित किया गया था उस समय की बात हो, आज वो भूल नहीं होगी। और आने वाला दिन के में झारखंड मुक्ति मोर्चा सारण विधानसभा से हम लोग निश्चित जीतेंगे, कोई दुमत नहीं हो सकता, ये घोषणा करता। ये प्रखंड स्तर पर बैठक रखी गई, क्या पार्टी आने वाले समय में पंचायत स्तर पर भी इस तरह का बैठक करेगी कार्यकर्ता? पंचायत में 25 के 25 पंचायत में इस प्रकार के हम लोग बैठ करके हम लोग कमेटी का गठित करेंगे, ताकि दुरुस्त हो। चलिए धन्यवाद सर। आइए जानते हैं सीधे कि पालाजोड़ी में ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, इसका क्या उद्देश्य है और इन्होंने कार्यकर्ताओं को, जेएमएम के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए। सर आज जो बैठक है वह केंद्र कमेटी के निर्देशानुसार, जिला कमेटी के निर्देशानुसार आज नवगठित प्रखंड कमेटी के द्वारा यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें प्रखंड कमेटी के विस्तारीकरण एवं पंचायत कमेटी के गठन पर चर्चा परिचर्चा और सभी लोगों से नव गठित कमेटी का रूबरू होना मूल उद्देश्य था। चूँकि